नमस्कार दोस्तों, बायजूस में आपका स्वागत है। जनरल साइंस के एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर को आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स आपको किसी भी फिजिक्स के चैप्टर को शुरू करने के पहले जानना ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी चैप्टर्स इसके बाद आएंगे, जनरल साइंस के फिजिक्स पार्ट की जब हम बात करेंगे तो वहाँ पर जितने भी चैप्टर आएंगे वहाँ पर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स की एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तो इसलिए फिजिक्स के सारे चैप्टर्स को शुरू करने के पहले एक बार ज़रूरी है कि हम ये समझ लें कि यूनिट्स क्या होते हैं और किस तरह से हम मेजरमेंट्स करते हैं। तो सबसे पहली बात ये समझने की ज़रूरत है कि यूनिट्स का अर्थ क्या होता है। एक बार हम ये समझ जाएंगे कि यूनिट्स क्या होता है तो कितने तरह के यूनिट्स होते हैं ये हम देखेंगे। एक बार जब आप ये समझ गए कितने तरह के यूनिट्स हैं तो उसको किस तरह से हमको जानना चाहिए, किस तरह से क्वेश्चंस आपके सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ये आपको जानना ज़रूरी है। और इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले आइए ये देखते हैं कि यूनिट का मतलब क्या होता है। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स कंपैरिजन विथ अ सर्टेन बेसिक आर्बिट्ररी चोजन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड एंड इट इज कॉल्ड एज यूनिट। तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं, तो अगर मैं कहता हूँ कि डिस्टेंस जो है वो 1 किलोमीटर है, तो जब भी मैं ये कहता हूँ कि डिस्टेंस 1 किलोमीटर है तो इसमें ये किलोमीटर जो आप देख रहे हैं इसे हम यूनिट कहते हैं। तो कई प्रकार के यूनिट हो सकते हैं। किलोमीटर में आप कह सकते थे, हो सकता है आप इसी को 1000 मीटर कह के करते, तो ये भी क्या होता, ये भी एक यूनिट होता। तो जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर करने की कोशिश करते हैं उसके लिए हम किसी न किसी यूनिट का इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए डिस्टेंस 1 किलोमीटर हो गया एक यूनिट। जब हम टाइम की बात करते हैं, और मान लीजिए मैं कहता हूँ कि 100 सेकेंड हो गए, तो 100 सेकेंड में ये सेकेंड वाला जो भाग है ये यूनिट कहलाता है। और 100 आपको कंपेयर करने में आसानी करता है कि कितने सेकेंड हुए। अब क्या होगा कि जब भी हम किसी चीज़ को परिभाषित करने की कोशिश करेंगे, डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पर जो पहले ये संख्या है 100 और ये जो दूसरा शब्द है यहाँ पर सेकेंड, ये दोनों मिला करके आपको एक अंदाज़ा दे देगा कि वो फिजिकल क्वांटिटी कितनी है। तो चाहे हम मान लीजिए फोर्स की बात करें और कहें कि 1 न्यूटन फोर्स है या 100 न्यूटन फोर्स है, तो जब हम कहेंगे कि 1 न्यूटन फोर्स है और इसके कंपैरिजन में जब हम ये कहेंगे कि 100 न्यूटन फोर्स है, तो आपको ये ज़रूर पता है कि हाँ 100 न्यूटन फोर्स जो है वो 1 न्यूटन फोर्स से ज़्यादा है। इसके साथ साथ कई बार क्या होता है कि कई तरह के यूनिट होते हैं। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं मीटर की और किलोमीटर की, तो आपको ये पता है कि किलोमीटर भी एक यूनिट है और मीटर भी एक यूनिट है। तो हमें ये जानना भी ज़रूरी है कि किलोमीटर और मीटर के बीच में कैसा संबंध है। जैसे यहाँ पर हमें ये पता है कि हाँ 1 किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर के बराबर होता है, और आपको शायद ये भी पता होगा कि 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो ये भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मान लीजिए, मान लेते हैं हम कि हमें ये नहीं पता कि किलोमीटर और मीटर के बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। तो जब हमें ये नहीं पता होगा तब क्या होगा? जैसे मान लीजिए एक सुबह में आपके पास व्यक्ति आता है और वो बोलता है कि आज वो 2 किलोमीटर दौड़ा, और एक और व्यक्ति आपके पास आता है और वो ये कहता है कि आज उसने 2000 मीटर दौड़ा। तो 2000 मीटर दौड़ा और 2 किलोमीटर दौड़ा, आपको पता है कि हाँ 1 किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर के बराबर होता है, तो आप समझ जाएंगे कि दोनों ने बराबर डिस्टेंस कवर किया। लेकिन मान लीजिए कि अगर ऐसा होता कि आपको नहीं पता था कि किलोमीटर और मीटर के बीच में कैसा रिलेशन होता है, तब आप नहीं बता पाते कि कौन ज़्यादा और कौन कम। हो सकता है आप ये सोचते कि यहाँ पर क्योंकि 2000 है और यहाँ पर केवल 2 है, तो हो सकता है कि 2000 जो है वो 2 से ज़्यादा है, तो हो सकता है कि बी ए से हो सकता है ज़्यादा दौड़ा। लेकिन जब आपको पता है कि हाँ दोनों के बीच में एक ऐसा रिलेशन है, तो इसका अर्थ क्या हो गया कि ये 2 किलोमीटर और ये 2000 मीटर दोनों बराबर डिस्टेंस है। और क्योंकि ये बराबर डिस्टेंस है तो आपको पता है कि हाँ किस तरह से दोनों के बीच में कंपैरिजन हुई। तो इसलिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि जितने भी आपके पास यूनिट है उनके बीच में किस तरह से आप कन्वर्जन कर सकते हैं, किस तरह से एक दूसरे के बीच में आप कंपैरिजन कर सकते हैं। यही नहीं, कई बार अलग अलग तरीके के यूनिट्स होते हैं।
जैसे मान लीजिए किलोमीटर की जगह पर कोई आपको माइल्स में ही ये डिस्टेंस बताता और वो ये कहता कि आज 2 किलोमीटर नहीं, आज 1.6 माइल में दौड़ा, तो आपको ये भी नहीं पता है कि माइल और किलोमीटर के बीच में क्या संबंध है, तो आप नहीं बता पाएंगे कि 1.6 माइल ज़्यादा है या 2 किलोमीटर ज़्यादा है। तो इसलिए किलोमीटर और माइल्स के बीच में क्या रिलेशन है ये जानना भी आपके लिए ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें यूनिट के साथ जुड़ी हुई हैं और किसी भी यूनिट को जानने के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप जब भी क्वेश्चन पेपर अपने देखेंगे, जितने भी आपके पिछले साल के क्वेश्चन पेपर है, चाहे वो किसी भी परीक्षा के रहे हों, चाहे वो SSC के रहे हों, चाहे वो NDA के रहे हों, चाहे वो CDS के रहे हों, जहाँ पर भी जनरल साइंस आता है वहाँ पर आप देखेंगे कि यूनिट से संबंधित एक बहुत आसान क्वेश्चन हर बार पूछा ही पूछा जाता है। तो इसलिए ये चैप्टर आपके लिए ज़रूरी है और थोड़ी बहुत जो एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा आपको यहाँ पर, उसे आप अगर समझ लेंगे तो इस चैप्टर के बाहर कुछ बचता नहीं है आपको करने के लिए। अब हमें ये जानना है कि फंडामेंटल या बेस यूनिट हम किसे कहते हैं। तो फंडामेंटल यूनिट या बेस यूनिट हम उसे कहते हैं जो किसी दूसरे यूनिट से संबंधित नहीं होता है। जैसे अभी हमने बात की किलोमीटर और मीटर की, तो मीटर और किलोमीटर के बीच में तो एक रिलेशन है, लेकिन अगर मैं मीटर और किलोग्राम के बीच में कहूँ तो मीटर और किलोग्राम के बीच में तो कोई संबंध नहीं है। या मीटर किलोग्राम के साथ साथ मान लीजिए मैं सेकेंड ले लूँ, तो मीटर किलोग्राम और सेकेंड के बीच में तो कोई संबंध नहीं है। तो ऐसे जो यूनिट्स होते हैं जिनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता, जो एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करते, वैसे यूनिट्स को हम फंडामेंटल यूनिट या बेस यूनिट कहते हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है आपको कि फंडामेंटल यूनिट क्या होता है या बेस यूनिट क्या होता है, क्योंकि फंडामेंटल और बेस यूनिट से संबंधित भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में आ सकते हैं और आ चुके भी हैं अगर आप पिछले अपने क्वेश्चन पेपर्स को देखेंगे। अब इसके बाद कुछ होते हैं जिन्हें हम डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। तो डिराइव्ड यूनिट्स का क्या मतलब होता है? तो डिराइव्ड यूनिट को अगर आपको समझना है तो एक बहुत साधारण सा एग्जांपल है स्पीड। जब हम स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड क्या होता है? आप जानते हैं कि डिस्टेंस बाय टाइम को हम कहते हैं स्पीड। तो डिस्टेंस बाय टाइम को क्योंकि हम स्पीड कह रहे हैं, यानी कि ये मीटर है और ये सेकेंड में है, तो स्पीड की यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड, और इसलिए ये डिराइव्ड यूनिट कहलाएगी। क्यों डिराइव्ड यूनिट? क्योंकि डिस्टेंस और टाइम के हिसाब से हम स्पीड के यूनिट को निकाल रहे हैं। तो डिस्टेंस और टाइम के बीच में तो कोई संबंध नहीं है, डिस्टेंस मीटर किलोमीटर में आप देख रहे हैं, टाइम को आप सेकेंड में या घंटे में, आवर्स में देखते हैं या मिनट्स में देखते हैं, तो इसलिए इस दोनों के बीच में तो कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन इन दोनों को जब एक साथ लेते हैं तो आप स्पीड निकाल पाते हैं और इसलिए स्पीड को हम डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। तो इसी प्रकार से मान लीजिए अगर हम डेंसिटी की बात करें, तो डेंसिटी यदि आपको याद हो तो होता है मास बाय वॉल्यूम। मास यानी केजी में और वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब में, तो डेंसिटी की जो यूनिट है वो हो जाएगी केजी पर मीटर क्यूब। तो इस प्रकार से ये भी एक डिराइव्ड यूनिट हो गया। तो एक हो गए फंडामेंटल यूनिट और दूसरे आपके हो गए डिराइव्ड यूनिट। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि फंडामेंटल यूनिट का अर्थ क्या है और डिराइव्ड यूनिट का अर्थ क्या है ये आप यहाँ पर समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जांपल देखते हैं SI बेस यूनिट का। बेस यानी जिसे हमने फंडामेंटल यूनिट भी कहा। तो लेंथ हो गया जिसे आप मीटर में देख रहे हैं, मास हो गया जिसे आप किलोग्राम में देख रहे हैं, टेम्परेचर हो गया जिसे आप केल्विन में देख रहे हैं, टाइम हो गया जो सेकेंड में है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर और ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। तो ये जो 7 यूनिट्स होते हैं ये 7 को हम कहते हैं बेस यूनिट। ध्यान रखिएगा कि बेस यूनिट्स की संख्या 7 होती है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द नंबर ऑफ बेस यूनिट्स और 4 ऑप्शन दिए जाएं, तो याद रखिएगा कि नंबर ऑफ बेस यूनिट्स या नंबर ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स इज 7। तो इतना आप याद रखें। और ये क्यों हम इसे बेस यूनिट या फंडामेंटल यूनिट कह रहे हैं? क्योंकि ये जो 7 यूनिट हैं इन्हें आप एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। तो ये आप ध्यान रखें। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है। यूनिट्स जो भी हैं
एक बात तो आपको समझना ही होगा कि यूनिट्स ऐसा होना चाहिए जो हर एक देश फॉलो कर पाए, यानी कि अगर इंडिया में हम यूज़ करते हैं किलोमीटर और मीटर, तो बाकी जगह भी किलोमीटर और मीटर यूज़ होगा, तभी आप जान पाएंगे कि इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। लेकिन अगर दूसरे जो देश हैं वो किलोमीटर मीटर को नहीं यूज़ कर रहे, मान लीजिए कि उसके जगह पे वो मील का यूज़ कर रहे हैं या माइल्स का यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आपको ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि माइल्स और किलोमीटर या माइल्स और मीटर के बीच में क्या संबंध है। अगर हम नहीं जानेंगे तो बहुत मुश्किल है हमारे लिए इसको कन्वर्ट कर पाना। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी ये यूनिट्स हैं इनके बीच एक सिस्टम होना चाहिए, और उस सिस्टम के हिसाब से ही वही यूनिट्स हर जगह यूज़ होने चाहिए। तो वैसे कुछ सिस्टम्स होते हैं, तो एक एक करके हम देखते हैं। एक सिस्टम जो है वो होता है CGS सिस्टम। तो CGS सिस्टम क्यों? C सेंटीमीटर के लिए, G ग्राम के लिए और S सेकेंड के लिए। यानी जो तीन फंडामेंटल यूनिट हैं, लेंथ, मास और टाइम। तो लेंथ, मास और टाइम को लेकर के CGS यूनिट जो है वहाँ पर स्टैंडर्ड माना जाता है, सेंटीमीटर को, ग्राम को और सेकेंड को। FPS यूनिट, FPS यूनिट में फुट, पाउंड और सेकेंड को माना जाता है स्टैंडर्ड। और फिर होता है MKS यूनिट, जहाँ पर मीटर, किलोग्राम और सेकेंड को हम मानते हैं स्टैंडर्ड। अब इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण होता है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड माना गया है, जिसे हम SI यूनिट कहते हैं, जिसे हम SI यूनिट कह के पुकारते हैं। ये SI यूनिट क्या होता है? तो SI यूनिट जो है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड फॉर मेजरमेंट है, यानी कि दुनिया के जो भी देश हों वहाँ पर स्टैंडर्ड माना जाएगा SI को। और यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो इस SI शब्द का हमने प्रयोग किया था, यानी SI जो है वो क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम है। तो जैसे अगर आप यहाँ पर देखें तो इसे कहा जाता है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, यानी फ्रेंच में इसे कहा जाता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कह सकते हैं आप इंग्लिश में इसे, तो इसीलिए इसे SI यूनिट कहा जाता है। तो SI जो है ये रिकमेंड किया गया था जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स में 1971 में। इस बात को आप ज़रूर ध्यान रखें, ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और इसमें 7 बेस यूनिट्स होते हैं, जैसा मैंने कहा कि इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और इसके बाद 2 और यूनिट्स होते हैं जिन्हें हम डिफाइन करते हैं, एक होता है रेडियन और दूसरा होता है स्टे रेडियन। रेडियन प्लेन एंगल के लिए और स्टे रेडियन होता है सॉलिड एंगल के लिए। तो रेडियन और स्टे रेडियन क्या होता है, इसे समझने के लिए आप ये फिगर देखें। तो इस फिगर में आपको समझ में आएगा कि ये आपको दिख रहा है कि एक सर्कल है, और ये आपको दिख रहा क्या है, ये एक स्फीयर है। तो जब भी हम कोई टू डायमेंशनल फिगर लेते हैं, टू डायमेंशनल फिगर मतलब जिसको कि आप कागज़ पे बना सकते हैं, सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया, ट्रायंगल हो गया, तो वहाँ पर जो भी आप एंगल ले रहे होते हैं उसे हम रेडियन में मेजर करेंगे। तो जो भी टू डायमेंशनल फिगर होगा उसे हम रेडियन में फिगर करेंगे, और जो भी थ्री डायमेंशनल फिगर होगा, जैसे मान लीजिए एक बॉल है, तो वो क्या है? थ्री डायमेंशनल फिगर है। एक क्यूब है, जैसे पासा हो गया, डाइस हो गया, तो ये जो है ये सारे थ्री डायमेंशनल फिगर होते हैं। और वहाँ पर अगर हम एंगल को लेते हैं तो वो एंगल दो प्लेन्स के बीच में होता है। तो यहाँ पर टू डायमेंशनल फिगर में दो लाइन के बीच में एंगल होता है, और थ्री डायमेंशनल फिगर में दो प्लेन्स के बीच में एंगल होता है। तो इसी को जो हम मेजर करते हैं टू डायमेंशनल फिगर के लिए रेडियन में, और थ्री डायमेंशनल फिगर में स्टे रेडियन में। तो ये दो और क्वांटिटी होती हैं जिनको आपको याद रखना होगा, क्योंकि इसका भी संबंध बाकी किसी भी बेस यूनिट से नहीं है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ जो आपको जाननी आवश्यक है वो ये है कि स्टैंडर्ड कुछ प्रीफिक्स होते हैं जो आपको जानना चाहिए, और इस पर बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में हमेशा आते रहते हैं और आगे भी आते रहेंगे। जैसे कि आपको ये पता है कि जब हम सेंटी बोलते हैं तो सेंटी का मतलब हो जाता है 10^-2। तो जब हम सेंटीमीटर बोलते हैं, जब हम 1 सेंटीमीटर बोल रहे होते हैं, तो इसका मतलब हो जाता है 10^-2 मीटर, है ना? क्योंकि आपको याद होगा 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो जब भी हम सेंटी शब्द का प्रयोग करते हैं तो सेंटी वर्ड का मतलब क्या होता है? वो होता है 10^-2। इसी तरह से जब आप मिलीमीटर बोलते हैं तो मिली का मतलब होता है 10^-3।
तो सेंटी, मिली, माइक्रो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नैनो, पीको, फेमटो ये आपको ज़रूर याद रखना चाहिए कि कितना होता है। 10^-2, 10^-3, 10^-6, 10^-9 हो गया नैनो, 10^-12 हो गया पीको और 10^-15 हो गया फेमटो। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए मिली के साथ, इतना तो ज़रूर जाने। 10^-1 और -2 जानना चाहिए। फिर जब हम ऊपर जाते हैं तो सबसे पहले आता है डेका। डेका का मतलब होता है 10^1। अब हम ऊपर जा रहे हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे डेका DEKA लिखा हुआ है, कई बार आप देखेंगे DECA भी लिखा जाता है, तो दोनों ही तरीके से आप लिख सकते हैं इसे। यहाँ पे भी माइक्रो को आप माइक्रो इस तरह से भी लिख सकते हैं, के को कम हम लोग इस्तेमाल करते हैं और सी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। फिर जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, तो किलोमीटर आपको याद होगा हमने बात की थी कि 1 किलोमीटर जो होता है वो 1000 मीटर के बराबर होता है, यानी 10^3 मीटर के बराबर हो गया। तो इसी प्रकार से फिर मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एग्जा, जेटा, योटो, आप ये जितने भी क्वांटिटी हैं एटलीस्ट आपको 10^2, 3, 6, 9, 12 और 15 यहाँ तक आपको ज़रूर याद रखना चाहिए, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि किसी न किसी एग्जाम में ये ज़रूर पूछा जाता है कि 1 सेंटीमीटर कितना मीटर हो गया। खैर इतना आसान तो आपसे नहीं पूछेंगे, अगर आपसे पूछना होगा तो वो पूछेंगे कि सेंटीमीटर और डेसीमीटर के बीच में क्या संबंध है, या सेंटीमीटर और नैनोमीटर के बीच में क्या संबंध है। तो ऐसे में से किसी एक से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो इसलिए आप इतनी दूर को ज़रूर याद रखें, अगर हो सके तो पूरे टेबल को आप याद रखें। अब हम एक एक करके चलते हैं, जितने भी मेन इम्पॉर्टेंट हमारे क्वांटिटी होते हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले लेंथ, तो लेंथ को मेजर करते हैं हम किस में, मीटर में। मीटर क्या है, SI यूनिट है। और इसके बाद थोड़ा सा ये जानना ज़रूरी होता है कि जब बड़ा डिस्टेंस होगा या बहुत छोटा डिस्टेंस होगा तब हम कैसे मेजर करेंगे, क्योंकि जो सामान्य लेंथ है उसको तो हम बहुत आसानी से मेजर कर लेते हैं, किलोमीटर में भी हो तो भी कर लेते हैं, या 1-2 मिलीमीटर में हो तो वो भी हम देख लेते हैं, आपका जो सिंपल सा जो स्केल होता है उसी पे आप देख पाएंगे वो। लेकिन जब बहुत बड़ा डिस्टेंस हो तब कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम एक पैरालैक्स मेथड होता है जिसे हम यूज़ करते हैं। तो पैरालैक्स मेथड का अर्थ क्या होता है, जैसे आप ये अगर देखेंगे तो ये एक एंगल होता है, इस एंगल को पैरालैक्स एंगल कहते हैं, और ये जो बी होता है इसे हम बेस कहते हैं। अब ये बी बेस क्या है और पैरालैक्स एंगल क्या है ये समझ, अगर आप इस फोटो को देख रहे हैं तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैं कहूँगा करने के लिए कि आप जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ है कि आप अपनी राइट आई को खोल करके रखें और लेफ्ट आई को बंद कर लें और उसके सामने आप एक उंगली रखें। तो जब आप उंगली रखेंगे एक आँख को बंद करके आपको यहाँ पे नजर आएगा, और जब आप दूसरी तरफ से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि एक शिफ्ट आ गया इस तरफ। हो सकता है इतना बड़ा शिफ्ट आपको नहीं दिखे, इस बात पे ये निर्भर करता है कि आप कितनी दूरी से देख रहे हैं। लेकिन क्या होगा कि मान लीजिए जैसे ये मेरा पेन है, जब मैं इस आंख से देख रहा हूं तो ये इस तरह से एंगल बना रहा है, जब मैं इस आंख से देख रहा हूं तो ये इस तरह से एंगल बना रहा है, तो मेरे लिए एक ट्राइंगल जैसा बन गया यहाँ पर। यही ट्राइंगल यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, और ये जो दो लाइंस बने थे इसके बीच का जो एंगल है इस एंगल को हम पैरालैक्स एंगल कहते हैं। और ये जो डिस्टेंस है मेरी दोनों आंखों के बीच का जो डिस्टेंस यहाँ पर है, क्योंकि मैं अपनी दोनों आंखों से देख रहा था, तो इसे हम बी या बेस कहते हैं। अब क्या होता है कि जब भी बहुत बड़ा डिस्टेंस हम देख रहे होते हैं तो ये पैरालैक्स मेथड हम यूज़ करते हैं। कैसे करेंगे कि हम दो रेफरेंस पॉइंट ले लेंगे और इन दो रेफरेंस पॉइंट से हम एक दूर के किसी प्लैनेट को या किसी एक तारे को, स्टार को देखेंगे, और उसके बाद फिर हम पैरालैक्स एंगल निकाल करके और फिर जो डिस्टेंस है वो हम मेजर करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए आपको उतना जानने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको बस इतना जानना है कि जब भी बहुत बड़े डिस्टेंस होते हैं तो उसको मेजर करने के लिए पैरालैक्स मेथड का यूज़ करते हैं हम लोग। यही नहीं, एकमात्र और यही यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है कि जब एक आँख आप खोलते हैं, अपनी दाई आँख को खोलते हैं, आपको अपनी उंगली शायद इसके ऊपर नज़र आएगी, और एक बार जब आप अपनी राइट आई को बंद करके लेफ्ट आई को खोल लेते हैं तो आपको वही उंगली थोड़ी सी खिसकी हुई नजर आएगी। अब एक चीज़ और आपको जो ध्यान रखना होगा लेंथ को लेकर के, वो है कुछ
बड़े डिस्टेंसेस के लिए जो लेंथ हम लोग यूज करते हैं, एक हो गया एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है 1.5 × 10^11 meters, जो कि डिस्टेंस बिटवीन सन और अर्थ के बराबर होता है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। फिर होता है लाइट ईयर, जो कि होता है 9.46 × 10^15 meters। लाइट ईयर क्या है? लाइट ईयर वो डिस्टेंस है जो लाइट एक साल में कवर करेगा। इसलिए ध्यान रखें कि यहाँ पर ईयर लिखा हुआ है, लेकिन ये ईयर का मतलब ये नहीं है कि ये टाइम है, ये डिस्टेंस है। लाइट ईयर क्यों? क्योंकि ये वो डिस्टेंस है जो लाइट एक साल में कवर करेगी। तो लाइट की जो स्पीड होती है वो होती है 3 × 10^8 meters per second। तो इस स्पीड से चलते हुए एक साल में लाइट जो डिस्टेंस कवर करेगी उसे हम 1 light year कहते हैं, जो कि 9.46 × 10^15 meters होता है। फिर उससे भी एक बड़ा यूनिट होता है पारसेक, यानी पैरालैक्स सेकेंड। तो पैरालैक्स मेथड की जो हम बात कर रहे थे वहीं से ये आता है। तो एक पारसेक जो होता है वो 3.08 × 10^16 meters होता है। तो ये जो तीन यूनिट है ये आप याद रखें, क्योंकि ये ऐसे यूनिट्स हैं जो आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको इसके साथ तैयार रहना होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि छोटे डिस्टेंस को कैसे देखते हैं हम लोग। तो क्या होता है कि जो नॉर्मल माइक्रोस्कोप आपके होते हैं वो 1 micrometer तक आराम से देख पाते हैं, 1 micrometer यानी 10^-6 meters तक आराम से देख पाते हैं। लेकिन उसके नीचे हम चले जाएं अगर, यानी मान लीजिए हम किसी एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं और एक मॉलिक्यूल का क्या साइज है वो जानना चाहते हैं, तो वहां पर फिर जो नॉर्मल माइक्रोस्कोप है वो आपको काम नहीं आएगा। तो वहां पर उस लेवल पे जा करके देखने के लिए हमें या तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ता है या फिर स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ता है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पहला जो फिगर है ये आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, और ये जो दूसरा फिगर जो आप देख रहे हैं ये स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप है। अब एक बार कुछ और जो अन्य क्वांटिटी हैं जो लेंथ से जुड़े हुए हैं उन्हें हम देख लेते हैं। तो ये सारे, इसीलिए हम इन्हें डिराइव्ड यूनिट्स कहेंगे। ये जो सारे हो गए ये सारे डिराइव्ड यूनिट्स हैं। अगर आपको याद हो हमने बात की थी डिराइव्ड यूनिट्स की, तो क्यों? क्योंकि एरिया हो गया लेंथ इंटू लेंथ, वॉल्यूम हो गया लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, उसके बाद स्पीड हो गया डिस्टेंस बाय टाइम, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, एक्सेलरेशन चेंज इन स्पीड बाय टाइम। तो ये सारे जो हैं सीधे सीधे मीटर से या सीधे सीधे सेकेंड से नहीं है जुड़े हुए, ये वहाँ से डिराइव हो रहे हैं, तो इसीलिए इन्हें डिराइव्ड यूनिट्स कहा जाएगा। तो इसी प्रकार से जितने भी अलग अलग क्वांटिटी हैं, चाहे वो लेंथ हो, चाहे वो मास हो, चाहे वो टाइम हो, इन सब से जुड़ा हुआ, या मान लीजिए करंट ही हो, इन सब से जुड़े हुए जितने भी क्वांटिटी होते हैं उन्हें आपको देखना होगा। यहाँ पर मैं सबकी चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि जैसे जैसे उनके चैप्टर्स आएंगे तो वहाँ पर अपने आप उनका डिस्कशन हो जाएगा। तो यहाँ पर बस एक एग्जाम्पल के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, लेकिन आगे जा करके जितने भी चैप्टर्स आएंगे जैसे जैसे, वहाँ पर खुद ब खुद आप देखेंगे कि ये सारे क्वांटिटीज़ के जितने भी डिराइव्ड यूनिट्स हैं वो अपने आप डिस्कस होते चले जाएंगे। तो खैर, एक एग्जाम्पल बस मैं यहाँ पर लेना चाहता था। एक ये टेबल है जो कि मैं आपको कहूँगा कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं चाहूँगा कि पॉज करें और कोशिश करें कि आप इसे याद कर लें, और या तो अपने नोटबुक में लिख लीजिए। क्या है यहाँ पर? पहले तो सीधा सीधा कन्वर्जन, मिलीमीटर सेंटीमीटर और मीटर किलोमीटर के बीच का कन्वर्जन, उसके बाद फुट इंच यार्ड और माइल, ये चारों के बीच में क्या रिलेशन होता है ये यहाँ पर दिखाया गया है, और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है ये टेबल, जो तीसरा टेबल है, तीसरा टेबल सबसे इम्पॉर्टेंट टेबल है आपके लिए। यहाँ पर मिलीमीटर और इंच, यार्ड फीट माइल्स, इनके बीच में क्या संबंध होता है ये यहाँ पर दिखा दिया गया है। तो इसीलिए अगर आप ये याद कर लेंगे तो यहाँ पर से कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए आप इसे ध्यान रखें। किसी एक टेबल को, आइधर आप इस टेबल को याद कर लें, और एक मैं कहूँगा कि इस टेबल को याद कर लें, ये दो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो सिर्फ मेट्रिक से स्टैंडर्ड कन्वर्जन था, ये उल्टा हो गया, तो अगर आप ये याद रखेंगे तो इसको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो चौथा टेबल है इसे आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इतना ज़रूर करें कि ये दूसरे टेबल और तीसरे टेबल को ज़रूर याद कर लें।
पहले टेबल के कन्वर्जन को हम पहले भी देख चुके हैं, तो वहां पर से आप इसे समझ जाएंगे। तो पॉज करके एक बार अच्छे से इसको समझ लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़िए। अब हम आगे बढ़ते हैं और मास देखते हैं। तो मास के मेजरमेंट को SI यूनिट जो होता है इसका, ये kg होता है। पहले भी आप देख चुके हैं, एक टेबल हमने देखा था, वहां पर हमने देखा था। तो जब भी लार्ज मास को हम देखते हैं, कोई बहुत बड़े मास को जब हम देखते हैं, तो वहां पर ग्रेविटेशनल मेथड यूज होता है, और जब बहुत छोटा कोई मास होता है तो वहां पर मास स्पेक्ट्रोमीटर या मास स्पेक्ट्रोग्राफ यूज होता है। तो बस आप ये याद रखें और ये याद रखें, यहाँ पर से क्वेश्चन बन सकते हैं। ग्रेविटेशनल मेथड में क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज करेंगे हम, और ग्रेविटेशनल फोर्स के यूज करके मास निकालने की कोशिश करेंगे किसी दूसरे एक रेफरेंस मास के हिसाब से। कैसे होता है ये जानना जरूरी नहीं है, लेकिन आप जान लें कि ग्रेविटेशनल मेथड का यूज होता है। और जब बहुत छोटे मासेस को हम लोग देख रहे होते हैं तो वहां पर मास स्पेक्ट्रोमीटर या मास स्पेक्ट्रोग्राफ का यूज होता है। एक बार यहाँ पर भी जो कन्वर्जन्स हैं इसे भी आप देख लें, क्योंकि ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम, ये सब तो आपको पता होगा या ये जानना आसान है, लेकिन फिर से ये जो दूसरा टेबल है और ये जो तीसरा टेबल है, ये दोनों आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं कि ग्राम और पाउंड के बीच में क्या रिलेशन है, एक टन कितने लॉन्ग के बराबर होता है। देखिए, आउंस और पाउंड ये दो ऐसे क्वांटिटी हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बाकी हो सकता है नहीं पूछा जाए, लेकिन आप ये रिस्क मत लीजिए कि पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा, आपको ये याद कर लेना चाहिए। ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाकी भी कैसे कन्वर्ट होता है ये आपको जानना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन आ गया और आप वो नहीं सॉल्व कर पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टाइम के मेजरमेंट को हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये तो पता है कि टाइम के मेजरमेंट के लिए हमें घड़ी या क्लॉक की ज़रूरत पड़ती है। सबसे जो प्रिसाइज क्लॉक होता है वो सीजियम एटम क्लॉक कहा जाता है उसे। जो भी सैटेलाइट वगैरह हम यूज़ करते हैं वहाँ पर ये एटॉमिक क्लॉक यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा प्रिसाइज होता है ये। तो जब हम स्टैंडर्ड टाइम भी निकाल रहे होते हैं तो वहाँ पर भी एटॉमिक क्लॉक का ही हम यूज़ करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक बात और ध्यान रखें कि हमारे देश में एक नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी है। इस नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी में जितने भी SI यूनिट्स हैं उन सारे SI यूनिट्स को यहाँ पे रखा जाता है। तो जैसे 1 kg जब हम कह रहे हैं तो 1 kg क्या होता है उसके लिए यहाँ पर एक प्रोटोटाइप रखा हुआ है। तो इसीलिए नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी आपको ध्यान रखना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और अगला जो टॉपिक है हमारा वो है एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड एरर्स। तो एरर क्या होता है? एरर आपको पता है, जो कोई भी भूल हो गई, कोई भी त्रुटि हो गई, उसे हम एरर कहते हैं। तो जब भी हम कोई मेजरमेंट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर एक पॉसिबिलिटी होती है कि कुछ एरर आ जाए। कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक वस्तु है जो कि 100.213 किलो का है, लेकिन जब आप इसे मेजर कर रहे हैं तो आपको पता चला कि ये 100.2 किलो का है। तो क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पर 0.13 का एरर आ गया। तो एरर आने की बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है इसे हम एरर कह सकते हैं। तो ये जो अनसर्टेनिटी होती है, जब एवरी मेजरमेंट बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कंटेन सम अनसर्टेनिटी, एंड दिस अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड एरर। अब एरर के साथ साथ दो और शब्द जुड़े हुए हैं, एक है प्रिसीजन और एक है एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी क्या होता है और प्रिसीजन क्या होता है ये समझने की ज़रूरत है। तो यही मान लीजिए जो ऊपर हमने लिया था 100.213 kg, कोई एक ऑब्जेक्ट है जो 100.213 kg का है। हम दो इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, मान लीजिए दो स्प्रिंग बैलेंस हम ले रहे हैं और इन दोनों स्प्रिंग बैलेंस से इसे हम तौलने की कोशिश कर रहे हैं। तो तौलने में हम क्या पा रहे हैं कि एक से जब हम तौल रहे हैं तो 100.217 kg आया, और दूसरे से जब हम तौल रहे हैं तो 100.219 kg आया। ये हमें बताया गया है कि पहले का जो रिजोल्यूशन है वो 0.001 kg का है, और दूसरे का जो रिजोल्यूशन है वो 0.0001 kg का है। ये है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का मतलब हो गया कि वो कितने प्रिसीजन से नाप सकता है, वो कितनी दूर तक नाप सकता है बिना एरर दिए हुए।
तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि पहला जो इंस्ट्रूमेंट है हमारा वो ज़्यादा एक्यूरेट है। क्यों ज़्यादा एक्यूरेट है? क्योंकि ये ज़्यादा नज़दीक तक पहुँच पाया, तो इसीलिए ज़्यादा एक्यूरेट है। ये जो है ये उतना एक्यूरेट नहीं है, ये एक्यूरेट कम है, लेकिन इस वैल्यू के कारण ये ज़्यादा प्रिसाइज है। तो इंस्ट्रूमेंट बी जो था मेरे पास, जो दूसरा स्प्रिंग बैलेंस जो था मेरे पास, वो स्प्रिंग बैलेंस ज़्यादा प्रिसाइज है और पहला स्प्रिंग बैलेंस जो है मेरे पास वो ज़्यादा एक्यूरेट है। एक्यूरेट मतलब कि जो असल क्वांटिटी थी उसके कितने नज़दीक आप पहुंच पाए, और प्रिसाइज का मतलब ये होता है कि वो कितने नज़दीक तक पहुंच पाता। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो आप समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एरर्स कितने तरह के हो सकते हैं। तो एरर जो है वो दो तरह से हम डिवाइड करते हैं, एक जिसे हम सिस्टमैटिक एरर कहते हैं और दूसरा जिसे हम रैंडम एरर कहते हैं। सिस्टमैटिक एरर वो होता है जो हमेशा एक डायरेक्शन में जाता है, या तो नेगेटिव डायरेक्शन में या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, लेकिन हमें पहले से पता होता है कि किस डायरेक्शन में जाएगा। जैसे एक इंस्ट्रूमेंट एरर हो सकता है। इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब क्या हुआ? इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब ये हुआ कि जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे थे उसमें जो एरर पहले से है। जैसे अगर याद होगा यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि ये जो स्प्रिंग बैलेंस था आपका उसमें इस तरह का एरर हम देख रहे हैं, तो ये जो है ये सिस्टमैटिक एरर कहलाएगा। और क्यों सिस्टमैटिक एरर है? ये इंस्ट्रूमेंटल एरर है क्योंकि इंस्ट्रूमेंट में वो एरर पहले से मौजूद था। दूसरा जो सिस्टमैटिक एरर है वो क्या हो सकता है? वो हो सकता है इनपरफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर के कारण। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, मान लीजिए कि आपके आसपास किसी को फीवर हो गया। फीवर होते ही आपने एक थर्मोमीटर लाया और थर्मोमीटर को आपने उन्हें उनके आर्मपिट पर रख दिया। तो जैसे ही आपने आर्मपिट के पास रखा थर्मोमीटर को, वो एक टेम्परेचर आपको दिखा रहा है, लेकिन वो जो टेम्परेचर होगा वो असल बॉडी टेम्परेचर जो है उससे थोड़ा कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि ये जो आपका थर्मोमीटर है ये बाहर के एनवायरनमेंट के साथ भी मिल रहा है, और इस बाहर के एनवायरनमेंट के साथ भी इसके होने के कारण थोड़ा सा लो टेम्परेचर होगा, क्योंकि बाहर का जो तापमान है वो थोड़ा सा लो होगा और अंदर का तापमान जो है, बॉडी का तापमान जो है वो थोड़ा सा हाई होगा। तो इसीलिए इसे हम ये कहेंगे कि जो आपका एक्सपेरिमेंट था उसके प्रोसीजर, उसके टेक्निक के गलत होने के कारण एक इम्परफेक्शन आया। तीसरा हो जाता है पर्सनल एरर्स। तो पर्सनल एरर क्या होगा? पर्सनल एरर वो होगा जो आपकी गलती के कारण हो जाए। जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत छोटा सा डिस्टेंस आप देख रहे हैं, तो छोटा सा डिस्टेंस जब हम देखते हैं तो एक वर्नियर कैलिपर नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम यूज़ करते हैं। तो वर्नियर कैलिपर को हम यूज़ करते हैं जब भी बहुत छोटा डिस्टेंस आपको नापना होता है, मिलीमीटर में जो डिस्टेंस होता है या 10^-4 मीटर तक का जो डिस्टेंस होता है। तो अब क्या होगा, क्योंकि आप बहुत छोटा डिस्टेंस देख रहे हैं तो आपको हमेशा एकदम उसकी सीधाई में रहना पड़ता है। अब मान लीजिए कि आप जब मेजर कर रहे हैं तो आप इस साइड से मेजर कर रहे हैं, या हो सकता है आप इस साइड से मेजर कर रहे हैं, तो उसके कारण क्या होगा, एक पैरालैक्स एंगल बन जाएगा आपका। तो ये आपकी हैबिट के कारण ये गलती हो गई, और ये हैबिट के कारण क्योंकि गलती हो गई इसीलिए इसे हम पर्सनल एरर कहेंगे। इसके अलावा भी कुछ एरर्स होते हैं जिसे हम रैंडम एरर कहते हैं। रैंडम एरर क्या होगा? जैसे मान लीजिए कि टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन हो रहा है, टेम्परेचर घट बढ़ रहा है, और उसके कारण आपको जो टेम्परेचर मेजर करना था आप नहीं कर पाए, तो वो जो होगा उसे हम रैंडम एरर कहेंगे, क्योंकि वो कोई सिस्टमैटिक नहीं था, वो फिक्स नहीं था, वो बाहर की कंडीशन के कारण वो हो गया। तो इसलिए इस तरह के जो मेजर्स, इस तरह के जो एरर्स होंगे उन्हें हम रैंडम एरर कहेंगे। अब लास्ट पार्ट जो है इस टॉपिक का वो है एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। इन तीनों का मतलब क्या होता है? सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर ऑफ द मेजरमेंट। मैं वापस जाता हूँ वहीं पर जहाँ से हमने शुरू किया था। मान लीजिए कि ये जो क्वांटिटी है और जो पहला स्प्रिंग बैलेंस था आपका, इसके बीच में अगर हम डिफरेंस देखें तो क्या हो जाएगा, 100.217 माइनस 100.213, यानी 400000। तो 0.004 जो है ये यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर हो गया, इसे हम
एब्सोल्यूट एरर कहेंगे। अब दूसरा क्या हो जाएगा, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी मेजर्ड। यानी एब्सोल्यूट एरर जो हमने निकाला 0.004 और वो डिवाइडेड बाय 100.213 केजी जो हमने पहले देखा था, तो ये जो है ये कहलाएगा रिलेटिव एरर। अब इसी को जब हम परसेंटेज में डालेंगे तो ये हो जाएगा आपका परसेंटेज एरर। तो ये तीन प्रकार से हम एरर को मेजर करते हैं। तो ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट की बात होगी। हमने क्या देखा कि यूनिट का मतलब क्या होता है, फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट क्या होते हैं, SI यूनिट क्या होता है, बेस क्वांटिटीज किसे हम कहते हैं, कितनी प्रकार से हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं, बड़े लेंथ छोटे लेंथ को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं और उनके लिए क्या मेथड यूज होता है, मास और टाइम के बारे में हमने पढ़ा, और लास्ट में हमने एरर के बारे में पढ़ा। तो ये जितनी भी चीज़ें हमने देखी और साथ साथ जो दो तीन टेबल हमने देखे, इनसे हर बार हर एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। तो आगे हम अभी अगला आपको ऐसे भी प्रैक्टिस सेट करना है, उस प्रैक्टिस सेट में तो आप देख लेंगे कि किस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखें। देखिए क्या होता है कि यहाँ पर से कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ देगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या है, या इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज का यूनिट क्या है, तो बहुत सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो यहाँ पर आपको ये ज़रूरी नहीं कि आप यहीं पर सारे क्वांटिटीज़ को याद कर लें या सारे यूनिट्स को आप यहीं पर याद कर लें। जैसे जैसे सारे चैप्टर्स आएंगे अपने आप आपको सारे यूनिट्स याद हो जाएंगे, क्योंकि हम एक एक करके सारे चैप्टर्स को देखेंगे और उनमें जितने भी क्वांटिटीज़ आ रहे हैं उनके जो यूनिट्स आ रहे हैं वो वहीं पर हम लोग पढ़ लेंगे, तो धीरे धीरे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए आपको जो बेसिक्स हमने यहाँ पर पढ़े हैं वो सब आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम आगे बहुत आसानी से बढ़ पाएँ। तो यहीं पर मैं इस चैप्टर को ख़त्म करता हूँ, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चैप्टर आपके आगे वाले चैप्टर्स में बेनिफिशियल होगा। थैंक यू वेरी मच।